हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं रीना रांदल और आज मैं धो रही हूँ कपड़े। कल था थर्सडे और थर्सडे को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, तो इसीलिए आज धो रही हूँ, या तो फ्राइडे को धोती हूँ। छुट्टी थी इसलिए धो लिया, नहीं तो संडे को धुलते हैं जनरली। तो आज छुट्टी थी तो इसलिए फ्राइडे को नंबर आ गया कपड़े धोने का। और अभी मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाना है, बहुत सारी सफाई करनी है क्योंकि कल दिल्ली में मौसम बहुत ख़राब था और बहुत आंधी आई है, बारिश हुई है, तो उसी वजह से घर बहुत गंदा हो चुका है। तो मैं सोचा कि मशीन लगा लूँ, साथ साथ बच्चों का ब्रेकफास्ट भी कराना है और सफाई भी साथ साथ ही चलती रहेगी। तो बीच में कपड़े निकालने में आ गई थी ताकि सेकेंड राउंड के कपड़े भी तब तक के लिए वॉश हो जाएं और साइड बाय साइड मेरे बाकी काम भी चलते रहें। क्योंकि ये है कि मैं मशीन के दो राउंड लेती हूँ, मतलब 15-15 मिनट्स के दो राउंड, तो इसीलिए लगा लीजिए कि एक राउंड में कम से कम आधा घंटा लगेगा। तो आधे घंटे में तो आराम से दूसरा कोई मेरा काम निपट सकता है। तो चलिए बाकी काम कर लेते हैं। हम आज हम गाड़ी साफ कर रहे हैं उमर के लिए, और ये छोटी सी गाड़ी हमारे लिए साफ कर रही है उमर। छोटी गाड़ी है ये, हम खेलते हैं। हम के गुड़िया थी वो टूट गई, उस पर बिठाने के लिए, और एक सीट लगवानी थी, और हम एक गुड़िया थी एक दो सीट लगवा लेती क्या। ये तो कौन सी जगह गंदा ये छोटी गाड़ी हुनर की है और जो बड़ी रेड वाली गाड़ी थी वो कमर की है। वैसे तो दोनों ही गाड़ियों को दोनों बच्चे यूज़ करते हैं, खेलते हैं, चलाते हैं, लेकिन अभी सफाई करने के लिए मैंने बांट दिया था कि छोटे वाली गाड़ी हुनर साफ़ करेगी, बड़े वाली गाड़ी कमर साफ़ करेगा। एक्चुअली ये गाड़ियाँ ना बाहर रखी हुई थी, कल आंधी आई और फिर ऊपर से बारिश आ गई, तो धूल मिट्टी पहले इन पे जम गई और फिर बारिश की वजह से बिल्कुल चिपक गई वो इन पे। तो इसलिए आज मैं अंदर उठा ला इनको कि भाई इसकी सफाई करो, ताकि वहाँ से नीचे से भी अच्छे से सफाई हो जाए और गाड़ी भी साफ़ हो जाए। काफ़ी दिन से बच्चे खेले भी नहीं थे, जब अंदर की मैं डीपली सफाई करती हूँ तो तब मैं इस टाइप के एक्स्ट्रा सामान को बाहर रख देती हूँ। तो तब से ही ये बाहर रखी हुई थी और बाहर रखने की वजह से ही थोड़ा धूल मिट्टी इन पे चढ़ गई थी। तो आज इनकी सफाई है और मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों को भी ना काम में लगाए रखो, क्योंकि आज वाईफाई पूरा दिन नहीं चल रहा था। और फिर ये है कि भाई बच्चे इधर उधर कुछ ना कुछ फिर तोड़ फोड़ में लगते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं इनका माइंड सही काम में लगा रहे, तो इसलिए कुछ ना कुछ मैं ऐसा काम पकड़ा देती हूँ इनको जो ये कर भी पाए और तोड़ फोड़ भी ना मचाए। तो चलिए अभी कर लेते हैं हम ब्रेकफास्ट। अभी टाइम हो चुका था लगभग 9 बजे का और आज हमने बनाए हैं चीज़ सैंडविच और
कुछ सैंडविच बनाए हैं मैंने पनीर वाले, इसमें मैंने डाले हैं टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज और चीज़। और कमर को पनीर अच्छा लगता है तो उसके लिए ये बनाए हैं। बाकी सारी चीज़ तो कमर की में भी वही डाली है, बस इसमें पनीर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। और मसाले के लिए सिर्फ नमक डाला है मैंने, कुछ भी नहीं डाला, मिर्च वगैरह भी नहीं डाली। और ये बच्चे साथ साथ ले रहे हैं जूस, बनाना शेक जो पीते हैं, और अरुण की होती है इस टाइम चाय, और मैं इस टाइम या तो दूध लेती हूँ या कुछ भी नहीं लेती, तो मेरे हैं सिर्फ सैंडविच। तो आप लोगों को भी खाने हैं तो फटाफट से आ जाइए। अभी आपको दिखा देती हूँ बाहर का हाल, जो कि आंधी की वजह से हुआ है, और फिर आ गई है बारिश, और हुनर बारिश में भी यहीं बाहर घूम रही थी। तो ये जो धूल मिट्टी और ऊपर से बारिश की वजह से कीचड़ पूरा हो रखा है, तो यहाँ पे घूम घूम के वो अंदर जा रही थी, और देखिए क्या हालत होगी है अंदर के फर्श की भी। तो हमें इसकी सफाई करनी है, तो पहले मैंने मैट उठाया, आज मैट को भी धोना पड़ेगा क्योंकि बहुत गंदा हो गया था, और फिर धोना पड़ेगा यहाँ से, तब जाके साफ़ होगा। और देखिए सफाई पूरी अच्छे से मैंने कर दी है, धो दिया है इसको, लेकिन अभी वाइपर मारना है ताकि ये जल्दी जल्दी सूख जाए, क्योंकि हुनर टिक नहीं रही है। अभी भी यहीं खड़ी थी कि मैं नहीं जाऊंगी, तो मैं फटाफट से वाइपर से इसको सुखाने की कोशिश कर रही थी ताकि ये फिर से गीले पैर करके अंदर ना लेके जाए, क्योंकि अंदर वाली मिट्टी अब बाहर आनी शुरू हो जाएगी। घर का अब सारा काम निपट चुका है, और अब बारी है अपनी पर्सनल केयर करने की। और काफ़ी टाइम से ना बाल बहुत ड्राई हो रखे थे, तो ये है चावल का मांड, और ये है 2 दिन पुराना, 2 दिन से मैंने इसे फ्रिज में रख रखा था, और फ्रिज में रखने की वजह से अब ये बहुत ही थिक हो गया था, तो बाल ड्राई हो गए थे, तो इसीलिए राइस वाटर ना हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और इसीलिए मैं रेगुलर तो नहीं कह सकती, लेकिन बीच बीच में कभी कभी अप्लाई करती रहती हूँ, जिससे बाल हमारे हेल्दी, सिल्की, शाइनिंग बने रहेंगे। और लंबे बाल हैं तो भाई आप लोग समझ सकते होंगे कि जितने लंबे बाल हैं उतनी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, हालांकि मैं रेगुलर नहीं कर पाती हूँ केयर, बट ये है कि भाई कभी कभी तो ज़रूरत पड़ जाती है, जब बिल्कुल ज़्यादा बढ़ गई हो जाए ना कि अब, और ड्राइनेस मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अब मुझे कुछ ना कुछ होम रेमेडी करनी ही पड़ेगी, तो मेरा अब वही टाइम आया हुआ था। कई दिन हो गए थे सिर भी नहीं धोया था, और बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर हो गए थे, तो इसीलिए आज फाइनली कुछ मैं बालों में लगा रही हूँ। इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको पहले तैयार करने का तरीका सुन लीजिए। हम जब भी चावल उबालते हैं तो जो पानी बच जाता है उबालने के बाद, प्लेन राइस वाटर जब हम बनाते हैं, तो उसके बाद जो पानी बचता है उसको हमें किसी भी एक बर्तन में स्टोर करके फ्रिज में रखना है कम से कम 2 या 3 दिन, और उसके बाद हमें इसे अपने सिर में लगाना है। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस में यूट्यूब में आप लोगों ने भी पहले कभी देखा होगा कि उसमें बोलते हैं कि किसी बर्तन में भर के ढक के रख दीजिए और 2-3 दिन बाहर ही रहने दो इसको, उसके बाद अप्लाई करते हैं। लेकिन अभी गर्मी है और 2 दिन अगर आप राइस वाटर को रखेंगे तो उसमें बहुत गंदी स्मेल हो जाती है, तो वो मैं अवॉइड करने के चक्कर में मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। तो उसका अपना अलग इफ़ेक्ट है, इसका अपना अलग इफ़ेक्ट है, तो मैं तो यही करती हूँ कि हमेशा फ्रिज में रख देती हूँ और 2-3 दिन बाद यूज़ करती हूँ। लेकिन इससे भी फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है कि फ्रिज में रखने से फ़ायदा नहीं होगा। और स्कैल्प पे अच्छे से हल्के हाथ से मसाज कर लें इसकी, और उसके बाद नीचे वाले बालों में भी इसको अच्छे तरह से लगा लें। मेरे बालों की हालत देख के आप लोग समझ सकते होंगे कि वह कितनी बुरी हालत हो चुकी है, और काम इतने ज़्यादा होते हैं कि वही खुद की केयर करने की फुर्सत नहीं मिलती। जब बिल्कुल हद हो जाती ना कि भाई अब तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ जुगाड़, तब जाके मैं करती हूँ। और आज भी मैं इसको लगा के बस ऐसे ही छोड़ दूँगी, और एग्जैक्ट 20 मिनट के बाद इसको धोना होता है। ज़्यादा फ़ायदे के चक्कर में नुकसान मत कर लेना,
इसका टाइम सिर्फ होता है 20 मिनट लगाने का सिर में, और उसके बाद आप बाल धो सकते हैं, चाहे तो शैम्पू कर सकते हैं या फिर प्लेन वाटर से भी धो सकते हैं, और मैं आज धोने वाली हूँ सिर्फ प्लेन वाटर से। कल ना हमारा नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, ना तो वाईफाई चल रहा था ना ही मोबाइल का चल रहा था, और दिल्ली में ना मौसम ख़राब था कल, मीन्स बारिश भी हुई थी, आंधी भी आई थी, तो उसकी वजह से नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो गया था। पहले हम वेट करते रहे कि खुद ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक जब ठीक नहीं हुआ, मीन्स आज तक भी ठीक नहीं हुआ, तो फिर 10-11 बजे जब ऑफिस खुलने का टाइम होता है तो फिर वाईफाई ऑफिस में जहाँ से कनेक्शन ले रखा है वहाँ कॉल किया गया, वहाँ से फिर एक लड़का आया, मीन्स दोपहर तक जाके नेट हमारा चल पाया था वाईफाई। और उसके बाद फिर घर के काम थे, वीडियो एडिटिंग में टाइम नहीं मिल पाया, और फिर मुझे शाम को बनानी थी किड्स चैनल के लिए वीडियोस, तो अब फाइनली जाके मुझे फुर्सत मिली है वीडियो एडिट करने के लिए, तो अभी आप लोगों के लिए वीडियो एडिट होके अपलोड हो जाएगी। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि बीच बीच में गायब हो जाती हूँ मैं, मुझे खुद लगता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर से वीडियो नहीं आई, और जो रूटीन में मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो फिर वो लोग तो वेट करते ही हैं, फिर मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि रीज़न बता देती हूँ। और आज सारा दिन साफ़ सफाई में ही निकल गया, क्योंकि कल ना बहुत ज़्यादा आंधी आई थी, और बाई चांस खिड़कियाँ भी खुली हुई थी, मतलब गर्मी की वजह से खोल देते हैं, तो फिर वो धूल मिट्टी भी अंदर तक आ गई, और बाहर का तो हाल आप लोगों ने देख ही लिया था। तो और फिर छोटे बच्चे हैं, एक बार बाहर जाते एक बार अंदर आते, तो पूरे घर में पैरों के निशान हो गए थे। आज का व्लॉग बस इतना ही था, आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करो, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट कर देते, लाइक करना भूल जाते, प्लीज़ भाई ऐसा जुल्म मत करो मेरे पे, और प्लीज़ आप लाइक कर दिया करो ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ वीडियो अच्छी लगी है। कमेंट तो लगातार आते रहेंगे, पता नहीं कमेंट करके लाइक करना भूल जाएंगे, ऐसे ही भाग जाते हैं, तो प्लीज़ आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना। और चैनल अगर अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।